ओके व्हाट्सएप क्या कर रहे हो? सब बढ़िया? हमारे भी सब बढ़िया है। रात को ये वाला गेम खेला था और फिर रात से अभी उठे हैं। बस आप लोग से ऐसे बात करने के लिए आए थे आज। क्या खेलोगे भाई, ये तो बता दो। पबजी बैन होने के बाद क्या चल रहा है ज़िंदगी में? अब क्या सोचा है ज़िंदगी में? हमने तो सोचा है ज़िंदगी में पीसी गेम्स का, क्योंकि एंड्रॉयड गेम की कोई औकात ही नहीं है पबजी के मुकाबले। भाई कोई भी औकात नहीं है किसी भी एंड्रॉयड गेम की, ठीक है? अगर हाँ फ्यूचर में बन जाए तो भाई काफ़ी तगड़ा हो जाएगा। और मैं आपको गलती बताऊंगा भाई, किसकी गलती है? तुम लोग गवर्नमेंट को दोष दे रहे हो भाई। गवर्नमेंट की कोई भी गलती नहीं है इसमें बैन होने की, सारी की सारी गलती भाई पबजी मोबाइल की है, ठीक है? तो यार कम से कम अपने इंडिया के बारे में तो सोचो यार। गेम तो गेम है, वो दूसरा भी आ सकता है, ठीक है? और पबजी अगर चाहेगा तो वो खुद आ सकता है, उसकी मर्ज़ी से वो आ सकता है, ठीक है? अगर वो ऐसी चीज़, थोड़ी सी चीज़ उसको चेंज करनी है, अगर उसने वो चीज़ चेंज कर दी ना भाई, फिर से इंडिया में आ जाएगा पबजी। तो यार प्लीज़, जो भी बंदे हैं ना जो गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं, तो तुम भाई क्या ही बोल सकता हूँ भाई। पैसे हमारे भी लगे हैं भाई पबजी में, ठीक है? पैसे हमारे भी लगे हैं भाई, अब अकेले तुम्हारे ही पैसे नहीं लगे, और भी इंडिया के इतने सारे लोग हैं, उन वो तो भाई कम से कम बता रहा हूँ भाई इतने लाखों लाखों रुपए लगाते कि उनके पैसे नहीं लगे। तो भाई इंडिया नाम की कोई चीज़ होती है भाई, देश नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है? अब ये चीज़ जो है ना, मेरे कितना ज़्यादा अपने दिल पर पत्थर रख के बोल रहा हूँ वो मुझे ही पता है, क्योंकि यार इसी से मतलब सबका, यार सबका जो भी यूट्यूबर है ना, क्या वो क्यों काम कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा इसलिए तो काम कर रहे हैं ना, नहीं तो ऐसे क्यों अपनी दो दो साल तीन साल के लिए मराते रहते, ठीक है? यूट्यूब पे डेली वीडियो अपलोड करते, इतने मेहनत करते एक गेम प्ले बनाने में, कम से कम भाई बता रहा हूँ, कम से कम जिसको लगता ना गेम प्ले बनाना इतना ईजी है भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने 3 महीना गेम प्ले बना के देखा है, ठीक है? उससे पहले मैं वीपन ट्रिक अपलोड करता था इस चैनल पर, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती थी, मैं खुद ही बोल रहा हूँ भाई। और जो गेम प्ले बनाने में मेहनत लगती ना, कम से कम भाई 6 से 7 घंटे तुम्हारे जाते हैं सिर्फ गेम प्ले रिकॉर्ड करने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं भाई, 8 घंटे 9 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि भाई ऐसे ही गेम प्ले नहीं बनता। तुम्हें एक तो हाई स्किल वाला भी गेम प्ले चाहिए, ठीक है? और एक तो चिकन डिनर वाला भी गेम प्ले चाहिए, तो भाई समझ सकते हो कितना टाइम लगता है, ठीक है? अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, बहुत कड़वा सच है। पबजी मोबाइल अगर चाहेगा ना भाई तो आ जाएगा इंडिया में। देखो मैं बताता हूँ कैसे। कॉल ऑफ ड्यूटी को तो जानते ही हो आप लोग, ठीक है? और ये न्यूज़ शायद बता भी दी होगी किसी किसी यूट्यूबर ने रात को, या अभी भी बता दी होगी, तो मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ अगर तुमने इसके बारे में नहीं पता है तो, ठीक है? कॉल ऑफ ड्यूटी जानते हो, वो भी टेंसेंट का था ना, टेंसेंट से, लेकिन उसने पार्टनरशिप हटा दी जब उसकी बैन की न्यूज़ आई थी ना भाई। उसको लग रहा था हाँ मेरे को खतरा है चाइना से, तो उसने भाई टेंसेंट से नाता ही तोड़ दिया ना। जो पार्टनरशिप रहती है ना, जैसे कि तुम किसी बिजनेस में काम कर रहे हो, तुम्हारे साथ कोई काम करेगा तो तुम उसको 50% दोगे या तुम 50% रखोगे, तो ऐसे ही कॉल ऑफ ड्यूटी का था। और पबजी का भी ऐसा ही है, पबजी भाई 10% देता है या लेता है चाइना वाला, ऐसा कुछ सीन है, ठीक है? तो उसमें से अगर चाइना से नाता तोड़ देता है पबजी वाला, तो भाई बैन हट जाएगा इंडिया से, ठीक है? अगर कोई दूसरी कंपनी से जो कोलैबोरेशन कर लेगा पबजी मोबाइल 10% का, जैसे कि, और भाई ये देखो एक तो ऐसी बात है, जो चाइना वाले जो ये गनमन की स्किन देख रहे हो ना, ये बनती है सिर्फ चाइना में ही बनती है, ठीक है? इसलिए ये दो पैसे लेते हैं ना रॉयल पास, जो खरीदते हो तुम, यूसी परचेस करते हो और जो स्किन वगैरह खोलते हो, ये चाइना को ही जाता है पैसा, ठीक है? इसलिए पबजी मोबाइल बैन किया था इंडिया में भाई। तो सरकार कहाँ से इसमें गलत है भाई? अब तुम अगर किसी के भी घर पे या परिवार में कोई भी जो बॉर्डर पे गया ना, सिर्फ उनसे एक बार पूछ के देख लेना, या तुम्हारे दिल से पूछ के देख लेना यार, अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा होता और उनको कोई मारता और तुम उन्हीं को पैसे देते, तो क्या यार कैसा लगता तुमको, ठीक है? सोच के देखना तुम, अपने दिल से सोच के देखना एक बार, ठीक है? तो भाई मुझे भी पता ही है मैं कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा भी जो घर रहता है ना भाई, इसी से थोड़ा बहुत तो चलता है, ठीक है? जितनी मेरी अर्निंग आती थी, अब तो भाई मतलब गेम प्ले जब से डाल रहा हूँ, जब से थोड़ी बहुत तो बंदी हो गई है। 2 महीने में $100, कहीं 3 महीने में $100 बनते थे, तो क्या ही कर सकते हैं हम। लेकिन मैंने सोचा था 7-8 महीने डाल लूँगा तो थोड़े सही से व्यूज़ आने लगेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था भाई पबजी बैन ही हो जाएगा। तो आप देखो इसमें जितनी भी गलती है ना, वो सारी की सारी जो है ना, वो पबजी मोबाइल की है, 100% पबजी मोबाइल की पूरी गलती है। अगर ये भाई 10% नहीं रखेंगे तो क्या इनका क्या हो जाएगा, मुझे बताओ? 10% अगर ये नहीं रखेंगे तो भाई ये गरीब हो जाएंगे। देखो अभी इनको खुद समझ में आ जाएगा, अगर जैसे इनका जैसा बिजनेस ठप हो जाएगा ना, जैसे कि अभी इंडिया में जो इनकी जो मार्केटिंग थी, जो इनकी जो यूज़र थे इंडिया में, बहुत ज़्यादा थे भाई, बहुत ज़्यादा थे। अगर इनको लगेगा कि हाँ हमारा लॉस हो रहा है, तो भाई वो चाइना से जो है अपना जो पार्टनरशिप रहता है उसको हटा देंगे और फिर आप वापस से आ जाएगा पबजी। तो यही क्यों सीन है यार, ठीक है? और आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग क्या खेलोगे एंड्रॉयड गेम में। तो भाई बहुत
तगड़े तगड़े गेम है, मैंने देखे थे कल, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, भाई क्या ग्राफिक्स है यार, क्या कर सकते हैं अब, जो पब्लिक बोलेगी भाई खेलना पड़ेगा, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेलूंगा मैं भाई, फ्री फायर एकदम से खेल लूँगा लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेलूंगा, क्योंकि उसमें कुछ समझ में नहीं आता है मुझे, फ्री फायर में तो भाई तब भी समझ में आता है उसमें थोड़ा बहुत सर्वाइव करने का, लेकिन भाई कॉल ऑफ ड्यूटी में कद्दू कुछ समझ में नहीं आता। तो आप लोग कमेंट करके बताना, या पीसी गेम खेलूँ या एंड्रॉयड गेम खेलूँ, भाई पीसी गेम के ग्राफिक जो रहते हैं ना बहुत तगड़े, बहुत ज़्यादा तगड़े। आपने GTA 5 तो देखा ही होगा, तो भाई GTA 5 के क्या तगड़े ग्राफिक्स है, और Minecraft तो देखा ही होगा भाई क्या तगड़े ग्राफिक्स है तुमने देखा होगा Minecraft को भाई, देखो ग्राफिक्स तो नहीं है लेकिन हाँ वो सर्वाइवल गेम है, एक भाई सर्वाइवल सीरीज है रहती है वो, तुम और मोबाइल में भी उसको खेल सकते हो, और भाई बहुत तगड़ा है Minecraft जो गेम है ना भाई, हद से ज़्यादा बहुत तगड़ा गेम है, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत अच्छा गेम है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, Minecraft बहुत अच्छा गेम है, ठीक है। तो बस तुम बताओ कि वो गेम देखना है या नहीं देखना है, ठीक है, या GTA 5 खेलना है तुमको, क्या गेम खेलना है मुझे कमेंट करके बताओ भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने रात को पूरा प्ले स्टोर ऐप स्टोर सब कुछ छान मारा, और मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई मेरा आईफोन और आईपैड बेच दूँ, एक पीसी बिल्ड करवा लूँ तगड़ा वाला, ठीक है, ताकि मैं पीसी गेम इस चैनल पर अपलोड कर सकूँ। और हाँ, तुम लोग सपोर्ट बनाए रखना है, क्योंकि अब जो ये पगला है ना, ये क्रेजी है, अब तुमको इसका सही मतलब जानने को मिलेगा, इतना ज़्यादा हंसाने वाला हूँ ना इस चैनल पे मैं तुमको, तो बस तुम सोचो मत, बस तुम देख लेना वो वीडियो को भाई, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम लोगों को हंसाने की, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ भी डालूँ अगर तुम लोग हंसोगे ना तो वो चीज़ देखोगे, भले ही वो आपने देखी हो या ना देखी हो, या आपको पसंद नहीं आ रही हो, ठीक है, या मेरी वॉइस पसंद आ रही हो तो आप देखोगे 100%, क्योंकि आप लोग भाई गेम प्ले देखने नहीं आते हो, पता है मुझको, मेरी आवाज़ सुनने आते हो या सुनने आते हो, तो जितना आप लोग सपोर्ट करते थे इतना ही सपोर्ट मुझे चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा तो अपने आप ही मिल जाएगा, अगर आप लोग इतना ही सपोर्ट करोगे ना तो अपने आप ही YouTube खुद वीडियो रिकमेंड कर देगा, इतना सपोर्ट मिलने लगेगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को क्या गेम देखना है, नहीं तो फिर मैं अपनी मन से गेम खेलूं और फिर वीडियो अपलोड करूं हंसाने वाली। एक गेम मेरे को आई है, कल मैं वीडियो देख रहा था भाई टेक्निकल गाइस गेमिंग की, तो एक गेम था अच्छा सा, मैं तुमको बताना नहीं चाहता यार, क्या तगड़ा गेम था भाई, हंस हंस के पागल हो जाओगे तुम, सही बता रहा हूँ मैं, तो बताना उसकी वीडियो लाऊं कि नहीं लाऊं भाई, क्या ही बताऊं मैं, तुम एक फ़ोटो डाल देता हूँ इस दर पे, एक फ़ोटो डाल दूंगा तुम जान जाओगे, ठीक है, कैसा गेम है भाई, बहुत तगड़ा गेम है मैं बता रहा हूँ, अब भाई फ़ोटो भी नहीं डाल रहा मैं, क्योंकि बहुत हंसी आएगी यार, बहुत हंसी, तुम लोग कमेंट करके बताना वो वाला गेम खेलूँ नहीं खेलूँ, ठीक है, और जिसमें हंसी आएगी ना वही चीज़ मैं आपको बनाऊँगा, क्योंकि ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आप कुछ ना कुछ तो सीखो, या फिर क्या कर सकते हैं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। और बस आप लोग ये गेम प्ले देखो, इन्जॉय करो, इस गेम प्ले में क्या सीन होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ये गेम प्ले मैंने रात को खेला था, तो इसमें क्या हो रहा था भाई, मेरा जो पिंग है ना वो हो रहा था 550 और मैं सोच रहा था भाई पबजी बैन हो गया क्या, इतनी पिंग आ रही है, मतलब कि मेरी गाड़ी भाई आगे लेके जा रहा हूँ अपने आप पीछे आ जाती है भाई, क्या ही सीन हो रहा था, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता इस गेम प्ले में, और इस गेम प्ले में आखिरी में मेरे साथ स्कैम होने वाला है भाई, घेर घुरा के बंदे जो है मुझको मार देते, तो बस इस गेम प्ले को पूरा देखते रहना, काफ़ी मज़ा आएगा तुम लोगों को, ठीक है, और लास्ट गेम प्ले भी हो सकता है ये वाला, तो यार देख लेना, आज तो देख ही लो यार कम से कम। हाँ भाई, फ्री फायर वाले तो क्या ही खुश हो रहे होंगे भाई, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे कि भाई तुम आओ इधर और फिर हम बताते हैं तुमको, क्या फ्री फायर खेलोगे क्या नहीं खेलोगे भाई, मैं सही बता रहा हूँ, फ्री फायर अच्छा गेम है भाई, सर्वाइवल गेम है, लेकिन कुछ चूतियों की वजह से फ्री फायर और पबजी में लड़ाई करवाते थे, ये तो सिर्फ मजाक की बात है, लेकिन हाँ भाई असली में भी होता है, अगर तुम फ्री फायर खेलने जाओगे ना तो बोलेंगे क्यों आ गए इधर ये गेम खेलने, ऐसा ऐसा बोलेंगे, तो यार क्या ही कर सकते, ये पता नहीं किसने लड़ाई करवा दी, हम क्या बोलते भाई, भाई जो ऑडियंस को पसंद रहेगा वही खेलेंगे ना, अब भाई जब नूब बोलेंगे और हम पबजी खेल रहे तो हमें भी बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई इधर भी गाली सुनेंगे और उधर भी गाली सुनेंगे, इससे अच्छा तो एक ही जगह से गाली सुने ना, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, जो ऑडियंस को पसंद रहता है भाई वही बोलना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। और फ्री फायर देखो मैं सही बता रहा हूँ तुमको, उसका जो कैरेक्टर है ना भाई वो पूरा कार्टून टाइप का गेम है, इसलिए बोल रहा हूँ फ्री फायर में, इसलिए बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, क्योंकि बच्चे लोग खेलते हैं, और आजकल बच्चों के पास मोबाइल आ गया है, 2GB रैम के भी फ़ोन में भी फ्री फायर अच्छे से चल जाता है, समझ रहे हो ना, इसलिए ज़्यादा चलता है फ्री फायर। सो होप सो आज की ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब यहाँ पे देखो इस गेम क्या होता है मेरे साथ में वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये वाले गेम प्ले में क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक टीम का इस वाले टीम के मैंने एक बंदे को नॉक करके पूरा फिनिश कर दिया, और अभी बचे हैं वो तीन बंदे, ठीक है, और यहाँ पे स्कैम क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बग्गी लेके निकलते हैं,
अब भाई यहाँ पे क्या होता है, मैं जैसे निकलता हूँ या बग्गी मग्गी के टायर फोड़ देते हैं बंदे लोग, और भाई बंदे जो रहते हैं मेरे ऊपर रश कर देते हैं पीछे से। तो अब बस देखते जाना भाई इन लोगों को क्या ही मारेंगे, तुम बस ये सीन देखो। और भाई एक ग्रोजा की स्प्रे में मुझे खुद बिलीव नहीं हो भाई मैंने कैसे मार दिया इन लोगों को, कुछ समझ में नहीं कैसे कैसे मार दिया, तुम देखो बस। भाई साहब पूरी की पूरी टीम खत्म, मुझे खुद समझ में नहीं आया भाई कैसे मार दिया मैंने इन लोगों को। और अब तुम यहाँ पे स्कैम देखना क्या होगा, यहाँ पे मैं काफी देर से बंदे ढूंढ रहा था, बंदे कोई नहीं मिल रहे थे, लेकिन भाई जब मिले ना वो यहीं पे मिल गए। ठीक है देखो अब यहाँ पे सीन देखो, लेफ्ट में है एक बंदा और एक बंदा भाई पूरा रोटेशन लेके राइट से आ जाएगा। ठीक, और मैं हीलिंग लगाते ही भाई पीछे से उसने मार दिया। अब क्या ही कर सकते हैं, ये गेम भी भाई लास्ट का गेम भी नहीं था भाई मेरे नसीब में, तो यार क्या ही कर सकते हैं। सो होप सो गाइस आज की ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को बताना है कि कौन सा गेम आप लोगों को खेलना है, समझ रहे हो ना भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना, तो जल्दी कमेंट करके बताऊँ।